हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अगेन विद न्यू लेसन्स, दैट इज रिसोर्सेज। दिस इज फॉर द क्लास एट्थ एनसीईआरटी सिलेबस। टुडे वी लर्न अबाउट व्हाट आर द रिसोर्सेज। हम सबसे पहले ये सीखेंगे रिसोर्स होते क्या हैं, ये क्या ये नेचुरल होते हैं या इनको जनरेट भी किया जा सकता है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेसन को पढ़ने के बाद हम विभिन्न तरह के रिसोर्सेज को पहचान सकेंगे, उनको डिफाइन करने में सक्षम हो सकेंगे। सो वेलकम टू पांडुमेरिस अकेडमी। आई एम भागीरथ गोदारा हियर। सो विद न्यू वीडियो, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन इट। आस्क योर फ्रेंड टू ज्वाइन एंड फॉलो द चैनल्स। I will be always publish regular videos for you। मैं हमेशा आपके लिए नई वीडियो इसी तरह से लाता रहूंगा और आप इनका एंजॉय करें। नाउ फॉर द लेसन्स। लेसन का नाम है रिसोर्सेज। फर्स्ट वी लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ये लेसन का पार्ट नहीं है, दिस इज द इंट्रोडक्शन। हम इसमें क्या सीखेंगे वो चीज हम डिस्कस करेंगे। इन दिस लेसन वी लर्न द वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज की डेफिनेशन सीखेंगे, हाउ नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस। और ये भी सीखेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए कितने यूजफुल हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर, रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं ये भी हम सीखेंगे। हाउ न्यू रिसोर्सेज कैन बी जनरेटेड, और नए रिसोर्सेज कैसे जनरेट किए जा सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। इन सब चीजें हम इस लेसन में सीखेंगे। कैन रिसोर्सेज, नो देर इज ए मिस्टेक, नॉट कैन हियर। सो नॉट कैन हियर, दिस इज नॉट हियर। Yes, leave it. Resources are limited or unlimited. What happens if we resources get finished? यदि resources खत्म हो जाते हैं, ये भी थोड़ी mistake है, तो क्या होगा? These are many questions we will learn from this lesson. ये इस तरह के question हम इस lesson से learn करेंगे। After studying these lessons, we are able to distinguish. We are able to distinguish का मतलब अंतर करना। हम डिफरेंस करने में सक्षम हो जाएंगे डिफरेंट सोर्सेज कि कौन सा सोर्सेज क्या है। जैसे हम कोल, पेट्रोल, सन, सोलर लाइट, विंड पावर, इनके बारे में इजीली जान सकेंगे कि कौन सा रिसोर्सेज नेचुरल है, कौन सा ह्यूमन मेड है, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स है, कौन रिन्यूएबल है। इस तरह से हम उनको कर सकेंगे। वी आर एबल टू मैनेज देम, और हम उनको मैनेज भी कर सकेंगे। हम लास्ट में ये भी सीख पाएंगे कि रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें उनका किस तरह से कंजर्वेशन करना चाहिए। ये भी हम लेसन के लास्ट में सीख सकेंगे। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगेगा। बने रहिए मेरे इस लेसन के साथ। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम चैनल शुरू लेसन शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। सो देर आर टू स्टूडेंट मोना एंड राजू। ये एक लेसन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में टीचिंग का लेवल यही है, कन्वर्सेशन के माध्यम से लेसन को पढ़ाया जाता है। तो मोना और राजू नाम के दो स्टूडेंट है, वो आपस में बातचीत करते हैं, अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, टीचर से पूछते हैं और टीचर उनका आंसर देती है। हो सकता है कि टीचर हो या अपने से बड़ा, घर में भी कोई हो सकता है, उसकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से वो एक नई नई डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो हम इसकी स्टडी करेंगे। मोना एंड राजू आर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेस। मतलब मोना एंड राजू आर हेल्पिंग, वो अपनी मम्मा को अपना घर साफ करवाने में हेल्प कर रहे हैं। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब्स, दीज बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज ए यूज, सेड मोना। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेट अम्मा।
तो वहां जब वो घर की सफाई करते हैं तो कहते हैं कि वहां बहुत सारी चीजें हैं, तो चीज है, यूटेंसिल बर्तन है, फूड ग्रेन है, अनाज है, कॉम्स है, कॉम्स का मतलब कंघा होता है, प्लास्टिक की चीज है ये, इस बोतल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज यूज। सेड मोना ने कहा कि इन सभी चीजों का अपना अपना यूज है, दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सेड अम्मा ने कहा कि इसीलिए इम्पोर्टेंट है, दीज आर रिसोर्सेज, यहाँ से शुरू होता है। उसकी मदर ये क्वेश्चन पुट करती है, उनको एक इंट्रोडक्शन देती है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब आगे वो बच्चे पूछ लेते हैं कि वो इज रिसोर्स, ये रिसोर्स होता क्या है। बोझ राजू क्वेश्चन टू अम्मा, क्या क्वेश्चन राजू का अम्मा को क्वेश्चन था, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड ऑफ ए ह्यूमन बींग, ये लेसन में लिखा है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं डेफिनेशन को, एनीथिंग दैट कैन बी यूज, कोई भी चीज जो यूज की जा सकती है टू सेटिस्फाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नीड इज ए रिसोर्स, वो एक रिसोर्स है, कोई भी चीज जिनसे हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है वो रिसोर्स कहलाता है। लुक अराउंड यू, ऑब्जर्व, अपने आसपास में देखो, ऑब्जर्व करो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। द वॉटर यू ड्रिंक, वॉटर इज ऑल्सो रिसोर्स क्योंकि हमारी आवश्यकता को पूरी करता है। वेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी भी रिसोर्स है क्योंकि इससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है। द रिक्शो यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल्सो रिसोर्सेज, जो कुछ भी चीज है जिनसे हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति होती है वो रिसोर्स कहलाता है। सो आई थिंक आपको ये कुछ चीज समझ में आई होगी, रिसोर्स क्या होता है, जो कुछ भी चीज हमारे यहाँ है अगर उनसे हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, यदि हमने किसी घर पे सर्वेंट को भी रख रखा है, अगर वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, तो सर्वेंट ह्यूमन बीइंग होते हुए भी हमारे लिए वो रिसोर्स है क्योंकि वो हमें कुछ न कुछ हेल्प करता है। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स, अब स्नैक्स तैयार करने के लिए फ्रेश वेजिटेबल यूज की गई थी, वो वेजिटेबल्स भी क्या थी, रिसोर्स थी क्योंकि उनसे हमें स्नैक्स बना सके। सो दिस इज द ऑल अबाउट रिसोर्सेज, डिफाइनिंग द रिसोर्सेज। नाउ वी लर्न द लेसन, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन, ये जो अभी हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़े थे इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, क्या है वो देखते हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, इनका प्रयोग हम सब करते हैं, सो दे आर यूटिलिटी, तो इनका क्या है कि उपयोग है, और यूटिलिटी और यूजुअलिटी इज दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज, कोई चीज का यूज करना, यूटिलिटी करना, उपयोग करना, उसको काम में लेना ही उस ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बना देता है। यदि कोई चीज काम की नहीं है तो हमारी रिसोर्सेज नहीं है। अभी तक बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, वो जितने जितना उनका एनर्जी का स्कोप है उतने पूरी तरीके से वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। आगे आने वाले समय में इस पे और ज्यादा इन्वेंशन होंगे, इस पे रिसर्च होगी, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाएगी, तो ये हमारे लिए रिसोर्स बन जाएगी। आज से 20, 30, 50 और 100 ईयर पहले सनलाइट, सूर्य जो लाइट है, सनलाइट, सोलर सिस्टम जो है, सोलर लाइट जो है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं थी, तो उस समय वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगी, रिसोर्सेज तभी कहलाएगी जब वो हमारे काम में हो जाएगी। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे सोलर प्लांट्स लगे मिलेंगे आपको, आपकी गली में रोड लाइट्स हैं वो सोलर एनर्जी से चलती मिलेगी, ऑटो रिक्शो और बहुत सारे हर जगह आपको सोलर सिस्टम लगा हुआ मिलेगा। तो अब क्या हुआ है कि सोलर एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तब वो एनर्जी एक हमारे लिए रिसोर्स बन गई। तो ये ध्यान रखें, रिसोर्स तब ही होगा जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे लिए काम का हो, काम का नहीं है तो नहीं है। आप देखें, आप रिवर जो होती है, फ्लड आता है, रिवर में बाढ़ आ जाता है तो पानी बेकार जाता है, तो वो हमारे रिसोर्सेज नहीं है। यदि उस पर हम प्रॉपरली अगर डैम बना लें, कैनाल बना लें और उस पानी को हम प्रॉपरली यूज करें, तो वही वाटर हमारे लिए रिसोर्स बन सकता है। तो रिसोर्सेज वही होगा
जो चीज हमारे हमारे काम में आए. सो हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्स. तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बन सकती है. तो हम देखते हैं कैसे बनती है. राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू ये चीज जानना चाहता है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. कोई भी वस्तु रिसोर्स तभी बनेगी जब उसकी वैल्यू हो. मैंने बताया है जब फ्लड आती है रिवर के अंदर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो हमारी वैल्यू को नष्ट करती है. अगर उसी पानी को हम डैम बना करके स्टोर करके अगर सिंचाई में काम में लें तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन सकता है. तो ये वैल्यू के आधार पर होगा. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट ए वैल्यू. इसका उपयोग करना ही इसको इसको वैल्यू देता है. ऑल सोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा. हर रिसोर्सेज का सभी रिसोर्सेज का कुछ न कुछ वैल्यू जरूर है. वैल्यू मीन्स वर्थ. अब छोटे बच्चे हैं मोन्ना और राजू, उनको पता नहीं कि वैल्यू क्या होती है. तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, मूल्य, कीमत क्या है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक्स वैल्यू. कुछ रिसोर्स होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है. सम डू नॉट, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. कुछ चीजें की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है. ओके फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव मे हैव ए इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट. एक मेटल जो धातु जो होती है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन सुंदर ग्राउंड जो है ना उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट और ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं. आई थिंक यहाँ समझ में आया होगा कि रिसोर्स कैसे बनते हैं. रिसोर्स तभी बनेगा जब उसका यूज किया जाएगा. यूजफुल है हमारे लिए तो ही, यूजफुल भी क्रिएशन के लिए, नए सर्जन के लिए, नए निर्माण के लिए, नए की डिस्ट्रक्शन के लिए. आगे सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही वैल्यूएबल बन जाते हैं विद टाइम, समय के साथ में. हम पढ़ेंगे अभी. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. हमारे घर पर जो होम रेमेडीज हैं, होम रेमेडीज मतलब कुछ ऐसे इलाज जो होते हैं जो मार्केट में उनकी मेडिसिन नहीं है लेकिन हम घर से तैयार कर लेते हैं, है ना. जैसे कोरोना काल में, कोरोना जब आया तो मेडिसिन प्रिपेयर नहीं थी तो हमने होम रेमेडीज का यूज किया. गर्म पानी पिया, दूध में हल्दी मिला के पी, है ना. ये मेडिसिन का ही काम कर रही थी. मास्क लगाए, तो ये होम रेमेडीज थी. तो ये इनकी कुछ कई बार इनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. कोरोना काल से पहले मास्क मार्केट में सेल भी नहीं हुआ करते थे. मुश्किल से डॉक्टर भी कभी कभार लगाया करते थे, जबकि कोरोना के आने से एक नया रिसोर्स डेवलप हुआ. ओके इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई. बट इफ दे आर पेटेंटेड और सोल्ड बाई एक मेडिकल फर्म टुमारो दे वुड बिकम इकोनॉमिक वैल्यूज. जैसे हम कह सकते हैं हमारे घर पर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन थी इंडिया की पहले, आज भी उसकी इतनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन कोरोना के आने से आयुर्वेदिक की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई. तो वो यहाँ समझाया गया है कि यूज क्या है उसी के आधार पर वो रिसोर्स कहलाएगा. अब यहाँ एक वर्ड आया पेटेंट, इसका मतलब क्या देखते हैं. पेटेंट का मतलब होता है इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और थिंग्स. इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जिसका आविष्कार सबसे पहले आपने किया है, उसकी खोज सबसे पहले आपने की है, तो उस पर आपका अधिकार रहेगा. उसकी कोई नकल नहीं कर सकता, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसके जैसा कोई नया नहीं बना सकता. वो पेटेंट होता है. पेटेंट बन जाने के बाद उसकी कॉपी नहीं की जा सकती. तो पेटेंट का मतलब होता है कि एन एक्सक्लूसिव विशिष्ट विचार या कोई भी आविष्कार जिनका एक विशेष मतलब हो तो उनको पेटेंट कहते हैं. आगे हम पढ़ते हैं. सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर, समझें इसको. दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसे हैं जो किसी भी अनयूज्ड रिसोर्स को एक यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है. जैसे कोरोना में देखा बहुत सारे ऐसे अनयूज सिस्टम थे जिनको कभी यूज ही नहीं किया जाता था, लेकिन कोरोना के आने से वो बहुत यूजफुल हो गए. इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी
वो नई नई चीजें जनरेट करती है, नई नई चीजें बनाती है, जिससे कि नए नए रिसोर्सेज डेवलप हो जाते हैं। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब तक व्हील नहीं बना, टायर नहीं बना था, तब तक मशीन जनरेट नहीं हो पाई थी, मोटर नहीं बन पाई थी, ट्रक नहीं बन पाए थे। ये सब रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी की वजह से ही डेवलप हो सके हैं। देन बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, दोनों ह्यूमन नीड से रिलेटेड हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, और यहाँ तक कि आदमी भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपनी स्किल से, अपने कार्य करने की क्षमता से, अपनी मेंटल एबिलिटी से कुछ न कुछ नया कार्य करता है, जो एक रिसोर्स का काम होता है। वो या तो अपने अपने यूजफुल है, या किसी दूसरे को काम करके देता है। जब कोई दूसरे को काम करके देता है, तो उसके लिए वो क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, ये ह्यूमन के आइडियाज हैं, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिससे व्यक्ति और ज्यादा रिसोर्सेज डेवलप कर लेता है। ह्यूमन बीइंग आदमी के जो विचार हैं, उसे कार्य करने की क्षमता है, उसका नॉलेज है, उसके आविष्कार हैं, उसकी डिस्कवरी है, ये नई नए ये कुछ ऐसे हेल्पफुल पॉइंट होते हैं जो किसी व्यक्ति को कार्य करने में हेल्प करते हैं। किसी व्यक्ति के पास अच्छा आइडिया है, तो उसको उस काम को अच्छे ढंग से कर पाएगा। उसने कोई नया इन्वेंशन कर लिया, तो उस काम को और ज्यादा अच्छा कर पाएगा। तो ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है। आगे हम पढ़ते हैं, मैनी डिस्कवरीज, डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, मतलब एक आदमी इस डिस्कवरीज, एक डिस्कवरी बहुत सारे लोगों को हेल्प प्रदान करती है। डिस्कवरीज ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखें, आग के आविष्कार से हमें खाना बनाना हमने सीखा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे काम सीखे, अपने आप को गर्म करना सीखा, खाना बनाना सीखा, है ना। और टायर के जो यहाँ लिखा है, वाइल इन्वेंशन ऑफ व्हील, टायर के आविष्कार से हमने क्या सीखा, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। टायर के डेवलपमेंट से ट्रांसपोर्ट के नए मींस, नए साधन जनरेट हुए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की जो टेक्नोलॉजी है, हैज टर्न द एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू इंपोर्टेंट सोर्सेज। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब भी आप हाइड्रो वर्ड सुने, हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी। क्या होता है, पानी। जहां कहीं भी आपको हाइड्रो है ना, तो वो पानी होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बिजली जो पानी से जनरेट की जाती है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यही पानी आज से 100 ईयर पहले ज्यादातर बर्बादी फैलाया करता था, लोगों का विनाश किया करता, क्योंकि बारिश में बाढ़ आ जाया करती थी और लोगों को बर्बाद कर दिया करती थी। लेकिन उसी को हमने एक नए फॉर्म में एक डैम बना करके स्टोर किया, फिर उसी से हमने बिजली जनरेट की, फिर उसी को हमने पीने के लिए, फसल के लिए काम में लिया, वो क्या हो जाता है, रिसोर्स बन जाता है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं क्या है। इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बनते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, इसके उस तरफ, इस तरफ पानी भरा हुआ है, और यहाँ से पानी निकलता है। जहाँ से पानी निकलता है, वहां पे टर्बाइन लगी हुई होती है, एक फैन लगा होता है, क्योंकि पीछे पानी का प्रेशर ज्यादा है, तो वो पानी स्पीड से निकलता है। स्पीड से निकलता है, तो वो टर्बाइन मूव करती है, रोल होती है, घूमती है, जिससे कि वो गर्म होती है। गर्म होने से वहां क्या होती है, बिजली जनरेट होती है। जैसे हम कह सकते हैं, जब हम हमारे हाथों को रब करते हैं, तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, वैसे ही जितनी देखो, इतने पानी के प्रेशर की जब टर्बाइन मूव करेगी, तो कम वो गर्म होगी ना, गर्म होने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। दिस इज द वे वी हैव क्रिएटेड न्यू सोर्सेज, पानी को हमने एक नया सोर्सेज ही बना लिया है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, अब हम टाइप पढ़ेंगे। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इंटू नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन मेड आदमी के बनाए हुए रिसोर्सेज होते हैं, और ह्यूमन अपने आप में भी रिसोर्सेज हैं। तो आपको समझ में आया होगा, देर आर थ्री काइंड ऑफ रिसोर्सेज। एक तो नेचुरल, जो प्रकृति से मिलता है, जैसे पानी है, हवा है, सनलाइट है ना, गैस है, कोल है, ये सब नेचुरल है
ना, एक ह्यूमन मेड, आदमी ने बनाया, आदमी ने मोटर बनाई, गाड़ी बनाई है ना, फैन बनाया, एसी बनाई, कूलर बनाया, ये सब ह्यूमन मेड है। एक ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को के लिए काम आता है। तो रिसोर्स की डेफिनेशन ये थी ना कि जब कोई चीज हमारे काम में है, वो रिसोर्सेज है, तो उसके लिए क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज दैट आर ड्रोन फ्रॉम नेचर, वो रिसोर्सेज जिनको हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं बिना कोई मॉडिफिकेशन किए, सीधा डायरेक्टली लेते हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना कोई ज्यादा उसमें परिवर्तन किए हुए हम उसको काम में लेते हैं, आर कोल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने बताया था एयर है, वाटर है, वाटर को हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं या उसको छान सकते हैं, लेकिन वो रहता वही है। द एयर वी ब्रीद, द वॉटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स एंड सोइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ये बहुत सारे रिसोर्सेज नेचुरल तो फ्री मिलते हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हाँ, सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे। कभी कभी टूल्स होते हैं और टेक्नोलॉजी होती है, मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। टूल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही बेखूबी और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड स्प्लेनिश्ड क्विकली, वैसे कोई भी रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, जैसे एयर है, सोलर लाइट है, ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, विंड पावर है, अगर हवा चलेगी तो बिजली बनेगी, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकते, इनको जनरेट किया जा सकता है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज आर लिमिटेड अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित नहीं होते हैं, जो अनलिमिटेड होते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर सोइल फॉरेस्ट कैन अफेक्ट आल स्टॉक। यदि एक बात है, यदि इनका हम केयरलेसली यूज करते हैं, बिना कोई ध्यान दिए अति उनकी करते हैं, तो वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। जैसे हम फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्सेज है, यदि हम बिना ध्यान दिए उसको बार बार काटेंगे, फिनिश कर देंगे, तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे पानी को हम अनयूज करेंगे, अनमाइंडेडली यूज करेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा। तो उनका हमें सिस्टमेटिकली और बहुत ही सस्टेनेबल उनका यूज करना चाहिए। बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन पानी जो था एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना जा रहा था, वो खतरे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पानी का जिस तरीके से हम उपयोग करते हैं, उससे पानी के खत्म होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अब अगर पढ़ेंगे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने रिन्यूएबल पढ़ा, वो रिसोर्सेज जिनको जनरेट किया जा सकता है, दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, ये रिन्यूएबल में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होंगे जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा खत्म नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला है, लकड़ी है, जंगल है, जंगल आपने जला दिया, जंगल खत्म हो जाएगा, कोयला है, कोयला जला दिया, राख बन जाएगी, पेट्रोल है, जला दिया, खत्म हो जाएगा, उनको हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पेट्रोल के लिमिटेड ही सोर्सेज हैं, पेट्रोल कभी खत्म हो सकता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक्स, वो रिसोर्सेज जिनके लिमिटेड स्टॉक्स हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, एक बार जिनका स्टॉक खत्म हो गया, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड, एक बार अगर रिसोर्सेज खत्म हो गया, जैसे एक जंगल है, अगर उसमें आग लग जाती है, उसकी लकड़ियां सब काट दी जाती हैं, तो दोबारा उनको एक परफेक्ट जंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमें काफी समय लग जाएगा।
10 ईयर लग जाएंगे, 20 ईयर लग जाएंगे, या होगा भी नहीं कभी। तो ये वो होते हैं जिनको दोबारा जनरेट करने के लिए कम से कम थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं, इतने तो ह्यूमन की लाइफ ही नहीं होती, है ना। तो ये इसमें कहा गया, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, क्योंकि थाउजेंड्स ईयर में जो जो रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, इतना तो ह्यूमन की लाइफ ही नहीं होती है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोल, कोल एक बार खत्म हो जाता है तो हो सकता है कि करोड़ ईयर के बाद में, 1000 ईयर के बाद में दोबारा बन सकता है, लेकिन 1000 ईयर क्या करेंगे, ह्यूमन की तो लाइफ 100 ईयर ही मुश्किल से होती है ना। तो वो यूजफुल नहीं होगी। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप अपने आसपास में इस तरह के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फाइंड आउट करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं। आर सम एग्जांपल्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ये रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हर जगह नहीं मिलती हैं, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब स्थान विशेष, ऊंचाई, निचाई, हाइट के आधार पर मिलते हैं, या नदी घाटियों में मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो हर जगह पहाड़ी होती नहीं है, इसलिए मिलने की संभावना नहीं रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वली। अब नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। आप देखते हैं कि कई देशों के अंदर कोयला बिल्कुल भी नहीं है, और कई देशों में बहुत ज्यादा कोयला है। कई देशों में पेट्रोल है ही नहीं, उनको दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, जबकि कई देशों में बहुत ज्यादा पेट्रोल है। तो ये अनइक्वल है, इनका रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइक्वल है, बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। सब कुछ अर्थ पे निर्भर करता है कि कौन सा रिसोर्सेज कहाँ होगा, हमारे हाथ की बात नहीं है। अभी उसके आगे हमने पढ़ा था, तीन रिसोर्सेज पढ़े थे, नेचुरल पढ़ा था हमने। अब दो नंबर आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्स रिसोर्सेज। नेचुरल को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। वो दोनों ही नेचुरल पार्ट ही थे, जो नेचर से मिलते हैं हमें। कोयला भी नेचर से मिलता है, पेट्रोल भी नेचर से मिलता है, गैस भी नेचर से मिलती है, सनलाइट भी नेचर से मिलती है, विंड पावर भी नेचर से ही मिलता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, ऐसे रिसोर्सेज जिनको आदमी ने बनाया है वो कौन कौन से हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकेम रिसोर्सेज ओनली वेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कभी कभी कुछ चीजें जो होती है प्रकृति से हमें मिलती है, लेकिन वो हमारे लिए तभी कामयाब होगी जब उसको हम कुछ मॉडिफाई करें। जैसे कि हमने एक पेड़ काटा, पेड़ से हम घर में डोर गेट बनाना चाहते हैं, तो क्या हम उसको सीधा लगा देंगे, नहीं। उसको घर में फिट करने के लिए हमें उसमें कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, उसी मॉडिफिकेशन को ही ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। अभी देखते हैं आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब होता है कच्चा लोहा। लोहा जैसा धरातल से निकलता है, जैसे अर्थ से निकलता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, वो ओर कहलाता है, ऐसे कहलाता है। उनको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद हमें उसको यूज कर सकते हैं। अगर उसको रिफाइन करने का सिस्टम डेवलप नहीं हो तो वो लोहा हमारा किसी काम का ही नहीं है, रिजेक्टेड है ना। तो यही है, आयरन ओर वॉज नॉट ए रिसोर्स, कच्चा लोहा। आयरन ओर का मतलब था कच्चा लोहा, जैसा धरातल से निकलता है, जैसा अंडरग्राउंड से निकलता, वो लोहा हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है ना। Until people learn to extract iron was not a resource until, ये दोबारा रिपीट हो गया है, from it। Until this is the repeated line. Leave it here. Okay. So until iron was not, ये भी यहां तक भी आगे तक जाएगा, this until तक, yes, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it। आयरन लो ओर जो होता है, जो कच्चा लोहा जैसे हम धरातल से निकालते हैं, वो तब तक लोहा नहीं हो सकता, हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता जब तक हम आदमी ने उसको रिफाइन करना नहीं सीख लिया हो। तब तक वो क्या नहीं हो सकता है कि हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता, जब तक उसको रिफाइन करना नहीं सीख लिया, है
ना, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ए बिल्डिंग्स, प्राकृतिक रिसोर्सेज को बिल्डिंग बनाने के काम में लेते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज था उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हमने उसको यूजफुल बनाया, वो क्या कहलाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। जैसे अनाज जो हम लेते हैं वो फार्म हाउस हम लेते हैं, लेकिन जैसा अनाज फार्म हाउस में होता है वैसा हम खा नहीं पाते हैं, वैसा हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं, उसी मॉडिफिकेशन को ही ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्योंकि आदमी ने टेक्नोलॉजी को बनाया है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, हम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस सेड राजू, ये दोनों के बीच में मोना राजू और उसकी मदर के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, वो ऐसा बातचीत घर पे कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि क्या है, यहाँ से पता चलता है कि बातचीत ही कर रहे हैं। नोड का मतलब होता है कि सिर हिला करके हम ही भरना, कई बार हम बिना बोले भी अपने सर को हिला करके भी यस बोल देते हैं। जैसे शादी के अंदर दूल्हा दुल्हन शादी में बैठते हैं तो पंडित उनको सेवन वचन सुनाता है और वो बिना बोले ही उसको स्वीकार कर लेते हैं, मतलब सिर हिला करके हम ही भर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नोडिंग बोलते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक था रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का मॉडिफिकेशन था। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को समझें, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में अंतर समझें। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आदमी खुद एक रिसोर्सेज है, ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अपने हाथों से, अपने स्किल्स से, अपने माइंड सेट से, अपनी एबिलिटी से कुछ ना कुछ काम करता है ना, या किसी दूसरे को काम करके देता है, जो भी चीज हमारे काम में आती है वो रिसोर्सेज कहलाती है, तो ह्यूमन क्या बन जाता है? रिसोर्सेज बन जाता है। तो हम पढ़ते हैं अब इसके बारे में, पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। यदि हमारे पास में नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, तो नेचुरल के जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना सीख सकते हैं। इट इज वाई दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज, इसीलिए ह्यूमन बीइंग आदमी स्वयं एक अच्छा रिसोर्सेज है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, शिक्षा और स्वास्थ्य आदमी को एक अच्छा रिसोर्स बनाने में सहायता कर सकती है। हम देखें कैसे, एजुकेशन से हम क्या करेंगे, स्किल्ड हो जाएंगे। एक डॉक्टर जो होता है वो पढ़ता है, पढ़ने के दौरान वो सीखता है कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या किसी अनपढ़ को डॉक्टर बनाया जा सकता है। एक इंजीनियर जो होता है उसको पता है गाड़ी कैसे बनाई जाती है, तो क्या अनपढ़ को बना सकते हैं? नहीं। तो एजुकेशन और हेल्थ, एक आदमी स्वस्थ भी रहना चाहिए, बीमार आदमी किसी भी तरह का सोर्स नहीं हो सकता है ना। तो एजुकेशन और हेल्थ जो है ह्यूमन बीइंग के रूप में ये ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स के स्किल को डेवलप करने के काम में आते हैं और ह्यूमन बीइंग को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लोगों के अंदर स्किल डेवलप करना, उनको और ज्यादा योग्य बनाना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर्स क्वांटिटी एंड एबिलिटी, जो कि मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी होगी ऑफ द पीपल, दो देर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में अलग अलग लोगों की राय है। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, हम इनकार नहीं कर सकते हैं, दैट इट इज द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इन टू वैल्यूएबल सोर्सेज। ह्यूमन स्किल ऐसी है जो बहुत सारे फिजिकल मटेरियल्स को एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में
उपयोगी करती है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन्स, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाया है। इस पार्ट के अंदर हमने चार चीज़ें सीखी हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप में मैंने बताया था, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज था, नेचुरल रिसोर्सेज को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब होती है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत चेंज, परिवर्तन करके उसको जब काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाता है। एक आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, आदमी खुद एक रिसोर्सेज हैं, आदमी खुद किसी दूसरे के काम में आता है तो जैसे कि उसको काम करने में हेल्प मिलती है, दैट इज ए रिसोर्सेज। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक द माई चैनल्स, यदि आपको लेसन पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से ज्वाइन करवाएं, उनको कहें कि चैनल्स पे टीचिंग अच्छी होती है, अच्छी टीचिंग करवाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।